हाय दिस इज़ फायज़ा और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेरिएशंस को जो कि दुनिया में इंग्लिश की जितनी डिफरेंट वेराइटीज़ हैं जिनको हम वर्ल्ड इंग्लिशेस के सब्जेक्ट में डिस्कस करते हैं उन लैंग्वेजेस में किस तरह की वेरिएशंस जो हैं वो इंक्लूड हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि नंबर से रिलेटेड वेरिएशंस यानी सिंगुलर और प्लूरल से रिलेटेड जो वेरिएशंस हैं जिनको आप डिविएशंस भी कहते हैं कि डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट रीजन्स में जो इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है उसमें जो डिफरेंट टाइप्स की वेरिएशंस हैं उनको हम देखेंगे। और इसमें फर्स्ट टाइप ऑफ वेरिएशन है नंबर की यानी सिंगुलर एंड प्लूरल की। तो ये कुछ रूल्स हैं कुछ डिफरेंट इंग्लिश से उसमें से फर्स्ट रूल है कि नॉन यूज़ ऑफ प्लूरल एज वेयर एक्सपेक्टेड। इंग्लिश में जो प्लूरल का रूल है वो ये है कि हम नाउन के साथ एस और एस का इजाफा करते हैं उसको प्लूरल बनाने के लिए। लेकिन ये जो डिविएटेड लैंग्वेजेस हैं या जो वेराइटी ऑफ इंग्लिशेस हैं उनमें ये वाला जो है प्लूरल एस और ईएस जो है वो कुछ सिचुएशन में ओमिट कर लिया जाता है। जिस तरह हम ये फर्स्ट एग्जांपल को देखें तो वन ऑफ दी स्टूडेंट। अब हमने जब ये वाला स्ट्रक्चर करते हैं हम इंग्लिश लैंग्वेज में स्टैंडर्ड इंग्लिश में तो हम जो है वन ऑफ दी आगे प्लूरल नाउन आता है। लेकिन जो डिविएशन है वो ये है कि इसमें प्लूरल नाउन नहीं आता बल्कि उसकी जगह सिंगुलर ही यूज़ किया जाता है। उसके बाद एक और एग्जांपल आई नो पीपल विद दोज पर्टिकुलर। अब दोज जो है वो हमारे पास एक प्लूरल डिटर्मिनर है जिसके साथ नाउन जो है वो भी प्लूरल आना चाहिए। लेकिन क्या है कि चूंकि एस और एस जो है वो नहीं यूज़ हो रहा या प्लूरल नाउन उस तरह से नहीं यूज़ हो रहा तो यहाँ पर जो है वो पर्टिकुलर सिंगुलर ही यूज़ हुआ हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें तो देयर इज़ फोर वे ऑफ टॉकिंग। अब यहाँ पर ये है फोर जो है वो मल्टीपल है एक से ज़्यादा है प्लूरल है तो यहाँ पर हमें एक तो हेल्पिंग वर्ब आर यूज़ करना था स्टैंडर्ड इंग्लिश में और एक जो वेज हमारा नाउन है इसको हमने जो है वो प्लूरल में यूज़ करना था। जैसे वेज है तो वो यहाँ पर क्या है कि उसको इज़ सिंगुलर यूज़ हुआ हुआ है और वे भी जो है वो सिंगुलर यूज़ हुआ हुआ है क्योंकि ये जो इंग्लिश की वेराइटीज़ हैं ये प्लूरल एस और एस यूज़ नहीं कर रही नाउन के साथ। सेकंड जो नंबर से रिलेटेड वेरिएशन है वो ये है कि जो ज़ीरो प्लूरल्स हैं इंग्लिश में स्टैंडर्ड इंग्लिश में उनकी प्लूरलाइजेशन जो है वो है इसके अंदर। जैसे शीप जो है उसका जो प्लूरल होता है वो भी शीप ही होता है, ऑक्सन का जो प्लूरल है वो भी ऑक्सन ही होता है एंड चिल्ड्रन का जो प्लूरल है वो चिल्ड्रन भी होता है। लेकिन डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में क्या है कि इनके साथ भी एस जो है वो यूज़ हो रहा है। जैसे शीप का प्लूरल जो है वो शीप्स, ऑक्सन का प्लूरल जो है वो ऑक्सन्स और चिल्ड्रन का जो प्लूरल है वो है चिल्ड्रंस। अच्छा, उसके बाद थर्ड जो है नंबर से रिलेटेड वेरिएशन उसको हम देखते हैं वो ये है कि जो हमारे मैस नाउन्स हैं यानी अनकाउंटेबल नाउन्स हैं उनको जो है वो काउंट नाउन्स या काउंटेबल नाउन्स के तौर पे जो है वो ट्रीट किया जा रहा है डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो इसमें अगर हम इन मैस नाउन्स या अनकाउंटेबल नाउन्स की कुछ एग्जांपल लें तो वो है फर्नीचर, इक्विपमेंट, स्टाफ, फ्रूट एंड अकोमोडेशन। अब स्टैंडर्ड इंग्लिश में रूल ये है कि इनके साथ जो है वो प्लूरल एस और एस नहीं आता। लेकिन इन वेरिएशंस में क्या है कि इनके साथ भी एस यूज़ किया हुआ है यानी फर्नीचर का प्लूरल फर्नीचर्स, इक्विपमेंट का प्लूरल इक्विपमेंट, स्टाफ का प्लूरल स्टाफ्स, फ्रूट का प्लूरल जो है वो फ्रूट्स एंड अकोमोडेशन का जो प्लूरल है वो अकोमोडेशंस। तो ये थ्री मेन वेरिएशंस हैं जो नंबर से जो है वो रिलेटेड हैं यानी ये डिविएशंस जो हैं वो डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में सिंगुलर और प्लूरल के बारे में सिंगुलर और प्लूरल से रिलेटेड है। अब हम देखते हैं सेकंड जो के हैं जेंडर की वेरिएशन। जेंडर मतलब मैस्कुलिन एंड फेमिनिन और मेल और फीमेल। तो इसमें क्या है कि जो नो वेरिएशन इन जेंडर प्रोनाउंस हम जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन जो है ही शी इसको यूज़ करते हैं। फीमेल के लिए शी यूज़ होता है और मेल के लिए ही यूज़ होता है। लेकिन जो कुछ वेराइटीज़ हैं कुछ जो कंट्रीज़ हैं उनमें ये वाली डिस्टिंक्शन जो जेंडर के प्रोनाउंस की डिस्टिंक्शन है वो यूज़ नहीं हो रही। जैसे फॉर एग्जांपल माय हस्बैंड हु वाज इन इंग्लैंड, शी वाज बाय देन माय फियांसे। तो अब यहाँ पर माय हस्बैंड जो है वो सब्जेक्ट है और वो मेल है, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्लॉज में इस शी की जगह पर जो है वो ही यूज़ होना चाहिए जो स्टैंडर्ड इंग्लिश है। लेकिन डिविएटेड लैंग्वेजेस या वेरी जो वैरायटी ऑफ डिफरेंट इंग्लिशेस हैं उनमें क्या है कि ये जेंडर की डिस्क्रिमिनेशन नहीं है और माय हस्बैंड के लिए जो प्रोनाउन है वो शी ही यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो उसमें माय मदर ही लिव इन मलेशिया, तो अब यहाँ पर सेम वही कि माय मदर जो है वो फीमेल जेंडर है, वो फेमिनिन जेंडर है, तो इंग्लिश स्टैंडर्ड में जो उसके लिए प्रोनाउन यूज़ होता है वो शी है, लेकिन इन लैंग्वेजेस में जो है वो इसका प्रोनाउन जो है वो ही यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट हम देखें कि जो हम नाउन्स की पोजेशन शो करने के लिए उसके साथ एपोस्ट्रोफ कॉमा या एपोस्ट्रोफ एस ऐड करते हैं, उसमें भी कुछ वेरिएशंस हैं जो डिफरेंट लैंग्वेजेस में हैं। अब अगर हम देखें तो जो स्टैंडर्ड इंग्लिश में रूल है वो ये है कि सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेटिव आएगा, उसके बाद पोजेसिव आएगा और फिर नाउन आएगा। यानी हम जो है वो अगर देखें तो माय फादर जो है इस तरह की स्टैंडर्ड इंग्लिश में कंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं जिसमें आपका जो है वो पोजेसिव डिटर्मिनर पहले आ रहा है और उसके बाद नाउन आ रहा है। लेकिन अफ्रीकन जो कुछ लैंग्वेजेस हैं जो अफ्रीका में बोले जाने वाले इंग्लिश है उसमें क्या है कि ये वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें नाउन पहले आ रहा है, पोजेसिव बाद में आ रहा है और फिर जो है वो प्रोनाउन आ रहा है। फॉर एग्जांपल इस माय फादर को किस तरह लिखा जा रहा है या बोला जा रहा है, यूज़ किया जा रहा है फादर फॉर मी, तो इसमें फादर नाउन है और पोजेसिव और प्रोनाउन यानी फॉर और मी जो है वो इस तरह से यूज़ हो रहा है इंस्टेड ऑफ माय फादर, जो कि स्टैंडर्ड इंग्लिश में है। जो अफ्रीकन बेसिक लैंग है उनमें जो है वो फादर फॉर मी इस तरह से जो है वो नाउन्स की पोजेशन जो है वो यूज़ हो रही है। ओके उसके बाद हम देखते हैं कुछ वेरिएशन जो कि प्रोनाउंस के यूज़ में हैं इन डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ इंग्लिश। सबसे फर्स्ट जो डिविएशन है वो है कि डिलीशन ऑफ प्रोनाउंस, यानी कुछ सेंटेंसेस में कुछ स्ट्रक्चर्स में जहाँ पर हमें प्रोनाउन लगाने की ज़रूरत होती है इन वैरायटीज़ में वहाँ प्रोनाउन जो है वो नहीं लगाया जाता, ओमिट किया जाता है, डिलीट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस फर्स्ट सेंटेंस की बात करें तो शॉर्ट और हिमसेल्फ, अब ये हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है तो इसका जो सब्जेक्ट प्रोनाउन है वो ही जो है वो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो है वो नहीं। और इसको कोई अंडरस्टैंड किस तरह से करेगा, हिमसेल्फ से करेगा कि ही था जिसने जो है वो शॉर्ट किया अपने आप को। उसके बाद अगर हम सेकेंड सेंटेंस को देखें, बट देन डैश वॉक हिम अप, तो अब ये जो डैश है यहाँ पर भी कोई सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट प्रोनाउन आना चाहिए, आई आ सकता है, यू या ही आ सकता है जिसने के उसको उठा दिया। तो ये है एक ऑप्शन जिसमें डिलीशन ऑफ प्रोनाउन जो है वो हो रही है। और अगर हम सेकंड डेविएशन रूल की बात करें तो वो ये है कि इसमें इट इज़ की बजाय सिर्फ इज़ जो है वो यूज़ किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम युगांडा की इंग्लिश का एक वैरायटी का सेंटेंस डिस्कस करें तो इट इज़ वेरी नाइस की बजाय सिर्फ इज़ वेरी नाइस जो है वो यहाँ पे यूज़ हुआ है। और अगर हम फिलिपाइंस की इंग्लिश की एग्जांपल लें तो यहाँ पर इट इज़ ओके की जगह पर इज़ ओके यूज़ हुआ है, बट व्हेन आई मूव इनटू द फ्लैट इट इज़ ओके, ये जो है वो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होनी चाहिए। लेकिन जो फिलिपाइंस वाली इंग्लिश है उसमें इट इज़ की जगह पर इज़ यूज़ हुआ है। उसके बाद अगर हम एक हांगकांग इंग्लिश की एग्जांपल देखें तो हेयर इज़ नॉट अलाउड टू स्टॉप द कार, तो यहाँ हेयर इट इज़ नॉट अलाउड टू स्टॉप द कार जो है वो स्टैंडर्ड इंग्लिश की प्रैक्टिस है, बट ये चूँकि डिविएटेड है, वेरिएशन है, तो इसलिए यहाँ पर जो है वो इट जो है उसे ओमिट किया गया है यहाँ से।